बेनतीजा बातचीत के बाद किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान। लाठी गोली खाने को है तैयार, किसान नेता ने कहा कि हम लाठी और गोली दोनों खाने को तैयार हैं, हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है। तो आंदोलन शांतिपूर्ण है, किसान नेता की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि हम लाठी गोली खाने के लिए तैयार हैं। बेनतीजा बातचीत के बाद किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है और बॉर्डर्स पर सुरक्षा के तहत पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। ड्रोन से नजर रखी जा रही है और साथ ही लगातार गाजीपुर बॉर्डर हो गया या फिर चिल्ला बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सभी जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से। सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर, ठीक है, आंसू गैस के करे, वो कर ही रहे हैं सब कुछ। हमारी ओर से उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं, ठीक है। तो हम पीसफुली पुरामन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय है। बड़ी खबर भोपाल से, कर्नाटक के किसानों को डिटेन करने का मामला। किसानों को भेजा जा रहा उज्जैन, कर्नाटक से किसान जा रहे थे दिल्ली, मध्य प्रदेश पुलिस ने किसानों को भोपाल में रोका था। तो किसानों को उज्जैन भेजा जा रहा है, आपको ये बड़ी जानकारी दे दें, कर्नाटक से किसान दिल्ली जा रहे थे। तो बड़ी खबर, कर्नाटक के किसानों को डिटेन करने का मामला सामने आया है। किसानों को उज्जैन भेजा जा रहा है, दरअसल वो दिल्ली जा रहे थे कर्नाटक से, लेकिन अब उन्हें उज्जैन भेजा जा रहा है।